महिलाओं में मासिक धर्म यानी पीरियड्स के बंद हो जाने की स्थिति को मेनोपॉज या रज्जोनिर्वृत्ति कहते हैं। ये एक शारीरिक बदलाव है, हर महिला को एक उम्र के बाद इससे गुजरना पड़ता है। मेनोपॉज इस बात का इशारा होता है कि महिला अब मां नहीं बन सकती। पर क्या आपको पता है, पुरुषों में भी एक उम्र के बाद मेनोपॉज की स्थिति आती है, जिसे मेल मेनोपॉज कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसे एंडोडेफिशिएंसी इन एजिंग मेल कहते हैं। आइए जानते हैं मेल मेनोपॉज होता क्या है और इसके लक्षण क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक और आपका स्वागत करता हूं विजडम इज वेल्थ। इसमें पुरुषों की सेक्स के प्रति रुचि खत्म हो जाती है। मेनोपॉज अगर आ जाए तो पुरुष पिता बनने का हक खो देता है, वहीं महिला मां नहीं बन सकती। पुरुषों और महिलाओं दोनों को इस दौरान कई प्रकार की मानसिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है, जैसे मूड स्विंग, गुस्सा आदि। दोनों जेंडरों के बीच मेनोपॉज में अंतर की बात अगर की जाए तो फीमेल में पीरियड्स 12 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। ये उनके गर्भधारण की क्षमता का सूचक होता है। फीमेल में मेनोपॉज की स्थिति में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मतलब इसके बाद वो मां नहीं बन सकती। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता, मतलब पुरुष महिलाओं जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। पुरुषों में मेनोपॉज धीमे धीमे होता है, पुरुष मेनोपॉज के बाद भी पिता बन सकते हैं। वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण उन्हें सेक्स संबंधी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है। महिलाओं में 50 वर्ष की आयु के आसपास मेनोपॉज की स्थिति आती है। ऐसा फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कम बनने के कारण होता है। इसी तरह पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लगती है। ब्रेन से दो हार्मोन निकलते हैं, एक है FSH और दूसरा LH। ये टेस्टोस्टेरोन बनने में मदद करते हैं। इन दोनों हार्मोन की कमी अगर हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लगती है, ज्यादातर पुरुषों में 60 से 70 साल की उम्र में देखने मिलता है। कुछ केस में मेनोपॉज 40 की उम्र में भी देखने मिला है। मेल मेनोपॉज में पुरुषों में कई तरह की शारीरिक और मानसिक बदलाव देखने मिलते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका प्रभाव बढ़ता जाता है। लक्षणों के आधार पर मेनोपॉज को पहचाना जा सकता है, जैसे कम ऊर्जा, आत्मविश्वास में कमी, ध्यान लगाने में मुश्किल, नींद बराबर नहीं आना, सेक्स ड्राइव का कम होना, पेट के आजू बाजू फैट जमा हो जाना, मसल्स में ताकत कम होने लगती है, मूड स्विंग होना, एकदम से गर्मी लगने लगना, पसीना आना। ज्यादातर पुरुषों में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी काफी धीमे धीमे होती है, ऐसे में उन्हें लक्षण नजर नहीं आते। हालांकि मेनोपॉज के लिए पहले डॉक्टर कई स्तरों पर जांच करते हैं। आमतौर पर मेनोपॉज के लिए टेस्टोस्टेरोन टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में कुछ कमी हो जाने पर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए लक्षणों में सुधार किया जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी महिला और पुरुष दोनों करा सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर का कहना है, रिप्लेसमेंट थेरेपी से कई मामलों में हार्ट अटैक जैसे साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं, इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हार्मोन रिप्लेसमेंट का विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक सुनकर कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।